तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास, द्वितीय कक्षा का 12 पाठ का शीर्षक, कहानी का शीर्षक बस के नीचे बाघ। तो बच्चों, किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था, उसी के बारे में ही ये कहानी लिखित किए है। इसीलिए अभी मैं ये कहानी है रिमझिम चैप्टर से आई है। तो बस के नीचे कहानी, बस के नीचे बाघ, वही कहानी है अभी मैं आपके पास पाठन कर रही हूँ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा। ये दूसरी पेज में है। छोटे बाघ ने यहाँ भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियाँ बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भगाते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले चाहिए के पास जाकर दुब कर गया, लेकिन नहीं, उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। बस के मित्र बैठा है, सेफ कैसे छवि दिया है। तो तीसरी पेज में क्या है फ्रेंड्स, कि सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बच्चों देखो, इधर सामने बैठे थे, बहुत सारे लोग आते थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। द्वितीय कक्षा का कहानी पाठक का शीर्षकों ने शीर्षक बस के नीचे बाघ, रिमझिम चैप्टर से ली गई है कहानी। तो बच्चों, के इधर जंगल में एक बाघ का बारे में इधर कवि ने लिखे हैं, इधर राइटर। तो मैं आपको अच्छी तरह ये कहानी आप लोगों को एक बार पढ़ तो लिया पूरी तरह, अभी मैं आपको थोड़ा सारांश आप लोगों को समझाती हूँ। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। बाघ खेलते खेलते वो सड़क पर आ गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बच्चा खेलता था जंगल में, वो खेलते खेलते रोड पे आ गया। रोड पे आकर एक बस तका था, सड़क पर आकर वो बस पर ऊपर ये बस में खड़ी थी। बस के ऊपर सड़क पर एक बस खड़ी थी देखा। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो क्या किया, वो बस के अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो देखा बस खड़ा है, बस खुला है, तो अगले पंजे को बढ़ाकर ही आप देखिए छवि में इधर वो बस को देखने लगी। उसने देखा कि बस के भीतर आगे तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। वो बस को देख रहा है, इधर देखिए झाँक कर वो देख रहा है। जब बस घर 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 बस चलता है तो साउंड हो रहा है ना, तभी तो देखता है एक आगे एक ही आदमी बैठा है। तो दूसरी छोटे बाघ ने यहाँ भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन ये दीवार कुछ अजीब सी थी। बाघ जब देखता है, देखे उसके वो आदमी के सामने क्या एक दीवार है, ग्लास रहता है ना, उसको बोलता है तो अजीब सा है। दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो जो फ्रंट में ग्लास रहता है ड्राइवर के सामने, उसको देख कर बोलता है अजीब सी दीवार जैसा है, उससे सब कुछ बाहर से हर चीज़ साफ दिखाई देती है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसे देखा कि बस में कई लोग बैठे थे। जब दाहिने अंदर से देखा तो अभी दाहिने तरफ मुड़ कर थोड़ा देखा, वो आदमी सब बस में बैठते तो बैठे थे। वो देखा आगे वाले सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी। देखा आगे के जो दो सीट रहता है ना बस पे, उसमें दो लड़कियाँ बैठी। अचानक से छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तो वो खुद ही सोचने लगा, लोग मुझे देख कर डरते हैं और मुझे उसे भगाएंगे, को
कौन शेर बोला तो छोटी सी बात। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिने ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो क्या आदमी बैठा था वो जब दाहिने सीट पर बैठा था वो दरवाज़ा खोल दिया बाहर, वो खुद कूद गया बस के। बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। उसे देख दिए वो देखा वो पश्चिम पीछे दरवाजे सब लोग भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा भाग कुछ घबराया, वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। आदमी नीचे उतर गया और लोग तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। तो वो देखा भागते देखकर छोटा भाग खुद घबरा गया जो लोगों क्यों भाग रहे हैं, तो वो बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए से पास जाकर दुबक गया। तो आगे वाले पहिया के पास गया जो था पहिया, तो उसके आगे वाली पहिया के पास जाकर दुब गया। तो वो आगे वाले पहिया के पास चला गया, आगे बस आकर दुब गया। लेकिन वहाँ से अच्छी नहीं लगा, वो फिर से बस के भीतर जाने चाहता है। वो जब आगे से देखा बढ़ाने तरफ देखा, फिर बोला बस के नीचे जाकर क्या किया, आगे वाले पहिया के पास जाकर दुब कर देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर वो जा क्या किया, वो फिर से बस के भीतर जाने चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजा रख कर भीतर चला गया। तो ये जब देखा बस के डोर खुला था, वो पंजा रख कर वो भीतर को बस भीतर को चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वो था सामने वाली सीट भी जब खाली था, उधर जाकर वो छोटी सी बाघ बैठ गया और वो खुद ही बाहर देखने लगा। इधर है वो इसे बाहर देख रही है, देखो छवि में छोटी सी बाघ। तो क्या लिखा है लास्ट में, सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। देखो ये बैठा है, वैसे इस बस एक आ रहा है, उसमें लोग सो बैठा है वो दिख रहा है। उन्हें देखकर छोटा भाग सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। वो बोलता है जो इतने आदमी बैठे तो मेरी बस के लोग क्यों भाग गए। तो वही वो बैठकर वो दूसरी बस जो जा रहा है सामने उसको देखकर बोला तो बस के लोग क्यों भाग गए। तो बच्चों अभी मैं द्वितीय कक्षा का पाठ के शीर्षक कहानी के शीर्षक क्या है, बस के नीचे भाग, बारह भाग का पाठ और कहानी के शीर्षक बस के नीचे भाग का पूरी तरह पठन कर लूँ। आप लोगों में सारांश भी अच्छी तरह से समझा दी हूँ। अभी क्या करेंगे हम, अब उसका प्रश्नोत्तर में अभ्यास करके आपको बोल देती हूँ और लिख भी थोड़ा देती हूँ। तो बच्चों अभी प्रश्नोत्तर के मैं देखती हूँ। तो बच्चों प्रश्नोत्तर क्या, ऐसा क्यों बस के नीचे पहुँच कर छोटे भाग को अच्छा क्यों नहीं लगा। क्योंकि वो भीतर जाना चाहता था, बस के भीतर जाना चाहता था। दूसरे प्रश्न, क्या तुमने कभी किस बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है, बोलो। उसके क्या है, उसके नीचे मैंने देखा, उसके नीचे मैंने देखा पेट्रोल टंकी है। क्या है, पेट्रोल टंकी है। तुम्हें क्या दिखाई दिया, तो पेट्रोल टंकी दिखाई दिया। बस के अगले के हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी, बस के अगले हिस्से पर क्यों घर घर आवाज़ आ रही थी। उसके इंजन से आ रही थी घर घर आवाज़ किसकी है, इंजन की। बस में ज़्यादातर लोग दाई तरफ क्यों बैठते हैं, क्यों दाई तरफ लोग बैठते रहते हैं, इसीलिए उसे तरफ ज़्यादा लोग बैठते हैं कि ज़्यादा लोग बैठ करते हैं कि क्योंकि उसके ज़्यादा लोग
बैठने लोग बैठने व्यवस्था है, व्यवस्था है। बस में इतने सारे लोग बैठते थे पर बाघ का ध्यान तो छोटी लड़कियां पर ही गया, क्योंकि क्यों गया लड़की के ऊपर? आगे सीट पर बैठी थी क्योंकि आगे के सीट पर बैठी थी। तो क्या होता अगर बाघ बस छत पर चढ़ जाता, उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? कैसी दुनिया उसे दिखाई देती? छत पर चढ़ जाता तो उसे क्या दिखाई देती? लोग, गाड़ियाँ, लोग और गाड़ियाँ दिखाई देती। आसपास के लोग क्या करते हैं? आसपास के लोग क्या करते हैं? बस छत पर बैठा देखकर डरकर भाग खड़े होते। करके बताओ, बाघ दुबक कर बैठ गया, बाघ डुब कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम किस करे? डुकना, कंपना, लड़कना, पोना, पीछड़ रखना, दूध पीना, नहाना, दबाना। बच्चों आप लोग स्वयं इसको करिए क्योंकि आप ही के लिए ही है। तो मैं दूसरी पेज के प्रश्न अभ्यास कर देती हूँ। तो दूसरी प्रश्न क्या क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति कौन था? ड्राइवर था। कौन था? ड्राइवर था। वो देखकर पहले कूद, बस में कितने दरवाजे थे? तीन। कितने दरवाजे थे? तीन थे। आगे क्या होगा कहानी सुनाओ। आगे क्या होगा? बस के सामने वाले सीट से, मैं बोल देती हूँ बच्चों, बस के सामने वाले सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखे तो एक बस आ रही थी, बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बाघ को देखते ही लोग शेर गुला बचाने लगे और इधर उधर भागने लगे। यहाँ देखकर शेर घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग कर खड़ा हुआ। तो हो गई ये क्वेश्चन आंसर, आपको बोल दूँ। तो दूसरी क्या है? डर निडर। बस में बैठा लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ की उन लोगों से डर रहा था। सोचो उन्होंने कैसे लगता होगा, कब कोई उन्होंने डर लगता होगा? तो कौन है? छिपकली। तो अभी मैं खाली मुंह में बोल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है लिखने को। तो मैं आपको बोल, छिपकली को कैसे है? छिपकली स्वयं ही मनुष्यों से डरती है, मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता है। आदमी डरते हैं कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता है कि वो सोचता है कि इतना शक्तिमान कि मैं देखो मनुष्य देखकर डर जाते हैं। कुत्ता, तो कुत्ता क्या होता है? तो बोलो अभी पहले क्या है? अभी छिपकली, उसके बाद कुत्ता। कुत्ता को ऐसे ही मनुष्य क्या करता है? मनुष्य देखता है जैसे कुत्ता का काट देगा करेगा भाग, नहीं तो ज़्यादा से लोग देखकर वो जब चिल्लाता भाव भाव करता है तो देखते हैं लोग ज़्यादा डर देते हैं, तो बोलता है मेरे को डरते हैं, वो खुद ही बोलते रहते हैं। तो और क्या? चूहा। चूहा आदमी से डरता है लेकिन अब आदमी चूहे से को भी डरते अच्छा लगना होता है, तो चूहे को भी अच्छा लगता है। तो अब क्या है? सांप। तो सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप भी अपनी ताकत पर घमंड होता है। कुत्ते भी वही स्वयं पर गर्व महसूस करता है कि सोचता है कि इतना शक्तिमान हूँ कि मेरे को लोग देखो डरते हैं, भाग जाते हैं, मैं चिल्लाता हूँ तो मैं काट दूंगा खड़ा, इसलिए वो भी बोलता है। तो दूसरी प्रश्न, बाघ डर कर बस में नीचे झुक गया, तुम डर कर लगने को करते हो कहाँ डूब कहते हो? तो बोलता है बाघ डर कर गया तो क्यों गया? तो क्या कहते? बिस्तर के नीचे अथवा दरवाजे के पीछे। हम लोग कैसे डरते? बिस्तर के
नीचे अथवा दरवाजा पीछे। बस से सब डरते हैं, पर इस कहानी से लोग भाग के बच्चे के डर गए। ऐसे क्यों हुआ बोलो? ऐसे देख के भाग के बच कर देख कर तो डरते रहते लोग, क्यों ही? बाघ नामक जाति से मनुष्य ही डरता है। बाघ नामक जाति से मनुष्य, बाघ नामक जाति से मनुष्य डरता है, इसलिए भाग जाते हैं। अनोखी दीवार, बस कई दीवार अलग अलग तरह थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वो दीवार क्या थे? वो दीवार बस, वो दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। ओके, किन किन चीज़ों को आर पार देखा जा सकता है? किन किन चीज़ों को आर पार जा सकता है? क्या? पानी, पतला और शीशा। किन किन चीज़ों को आर पार नहीं दिखा सकता है? क्या नहीं देखा जाता है? वो है सीमेंट और पत्थर, लकड़ी, बस इतना ही। शब्दों का खेल है, वो शब्द की अत्यंकरी खेलो। अत्यंकरी की खुशरू बात हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन क्या होगा? तो बाघ, घर, रुमाल लिखना है क्या? शब्दों का घर क्या लिखना है? बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, और लिखना है क्या? नमक, कमल, लड़का, काम। तो अभी कहानी से आगे। तुम्हारा घर या स्कूल से आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते थे, पता करो। जानवर गाय, पक्षी कौआ, और जानवर कुत्ता, पक्षी कोयल, बिल्ली, और कौन? तोता पक्षी, और कौन? चूहा। जानवर पक्षी कौन? गऊ, गौरैया। तो बच्चों अभी लास्ट क्वेश्चन, कितने चाहिए? कुछ गाड़ियों में दो पहिया होते हैं, कुछ तीन और कुछ चार। कक्षा में बातचीत करते हैं, नीचे खाने में लेके नाम लिखो। दो पहिया क्या है? साइकिल। इधर बच्चे लोग, दो पहिया क्या है बच्चों? आप सभी को पता है साइकिल। और क्या दो पहिया? क्या? स्कूटर। और क्या है? मोटर साइकिल। तीन पहिया ऑटो, रिक्शा। तापरे और क्या है? और एक है साई, दूसरी क्या? साइकिल, रिक्शा। इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। साइकिल, रिक्शा। चार पहिया किसका? बस। और क्या बच्चों? कार। और क्या? जीप। तो बच्चों दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, आप लोग समझ आ गए। तृतीय कक्षा का 12 पाठ का कहानी का शीर्षक बस के नीचे भाग का कहानी पूरी तरह आपको पाठ करके मैं सारांश समझा दी हूँ। अभी प्रश्नोत्तर लिख भी दी हूँ, समझा भी दी हूँ। तो बच्चों अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा है प्रश्न, मेरे को कमेंट में करो, लिखे, और मेरी पढ़ाई को अच्छी तरह आप लोग देख लीजिए। तो बच्चों अब मैं दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। बच्चों आप लोगों को धन्यवाद।